हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं ट्रेन जर्नी जो करने वाला हूँ वो क्यों कर रहा हूँ और मैं रशिया वापस से क्यों गया। अगर आप जानते होंगे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया से लेके साउथ अफ्रीका बाय लैंड और उसमें वापस से मैं रशिया क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रशिया वापस जा चुका था। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चाइना, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, वापस से रशिया, नॉर्म, अजरबैजान। तो मेरी ये जर्नी है अभी तक। लेकिन वापस से मैं रशिया क्यों गया था इसके बारे में बताता हूँ। मैं जब बिश्केक में था तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री देखी रशिया के बारे में, जो कि साखा रिपब्लिक के आसपास आता है। साखा रिपब्लिक एकदम बिल्कुल अलास्का के पास है। जो सी ऑफ जापान है वो मगदान ऑब्लास्ट में आता है और सी ऑफ जापान के जस्ट पास में है साखा रिपब्लिक, सबसे बड़ी रिपब्लिक है रशिया की। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री देखे वहाँ के, मैंने कहा यार मुझे जाना है या कितनी भी दूर मुझे जाना है। तो मैंने एकदम यू टर्न लिया एकदम ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर के लिए और वापस से 10,000 किलोमीटर वापस से मैं नीचे की तरफ आया। तो इन टोटल मैंने रशिया में ट्रेन जो जर्नी की थी अराउंड जो डिस्टेंस कवर किया था लैंड से अराउंड 25,000 किलोमीटर के आसपास किया था, 25 से 30,000 किलोमीटर के आसपास मैंने बाय लैंड ट्रैवलिंग की थी रशिया में, क्योंकि मुझे जाना था मगदान ओब्लास्ट। मैं मगदान तो नहीं पहुँच पाया लेकिन मैं मगदान ओब्लास्ट तक गया था और मुझे दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस ओमियाकोन गया था मैं। तो उसकी वीडियोज़ आएंगे, बस मुझे आपको ये बताना था कि मैं रशिया वापस से क्यों गया था। ऑलमोस्ट ट्रेन मैंने छोड़ दिया था, बच गया यार, दौड़े 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 भाग मिलकर भागोगे आज। What is this game? This game. Great game. Great game. कच्चे जबूत। दासा? 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 माफिया गेम। और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है ये, मैंने काफ़ी बार खेल चुका हूँ ये गेम। यार ये लगता है ये ट्रेन मेरी पक्का मिस होने वाली है। मेरी ट्रेन है 1:20 की और 12:50 हो गए हैं। आशा करता हूँ कि भाई साहब थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएँ और जल्दी मुझे पहुँचा दें। मुझे लगता है मेरे पास 10 मिनट रहेगा ट्रेन पकड़ने के लिए, बट ट्राई करूँगा दौड़ के पकड़ूँ ट्रेन। यार रशियन पहले आती नहीं मुझे, उसके बाद पहले पता करो कि ट्रेन नंबर कौन सा है, ट्रेन कहाँ पे आ रही है। अरे यार देखता हूँ क्या होता है, मुझे कोई अंदाजा नहीं क्या होने वाला है। ऑलमोस्ट ट्रेन मैंने छोड़ दिया था। ओके सॉरी स्कूल का मिनट 10 मिनट। भगवान बच गया यार, दौड़े 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 भाग मिलकर भागोगे आज। हाँ थक गया यार इतना दौड़ो दौड़ो बड़ा बड़ा बैग लेके हुए दौड़ते हुए, काफ़ी दौड़ा तब ये ट्रेन पकड़ाया है। हंसी आ रही है। तो मैं सीट पे बैठ गया, मेरी सीट ये साइड अपर है तो मैं साइड लोअर पे भी बैठ सकता हूँ, ये मेरी बैठने वाली सीट है। और ओम से जस्ट निकला हूँ, अभी 2-3 मिनट हुए हैं, अभी ओम सिटी को मैंने छोड़ा भी नहीं है, ओम का नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। रियली यार अभी तक थका हूँ, काफ़ी दौड़े दौड़े भाग मिलकर भाग की तरह मैंने ट्रेन पकड़ा था। और जो ट्रेन की कंडक्टर होती है, जैसे हमारी ट्रेन की कंडक्टर है अनारा, तो इनका नाम अनारा है और ये हमारी आज कंडक्टर है, पता नहीं ये कहाँ तक जाएगी। और जैसे ही या टिकट, सो मैंने इनको अपना टिकट दे दिया था तो इन्होंने मुझे टिकट के बदले ये दिया। उसमें रहता है तौलिया, बेड सीट, तकिया का कवर और एक चादर, ये चार चीज रहती है। तो जाता हूँ, आप अपने बिछावन वगैरह लगाओ और दिन भर सो। इसलिए मैं ऊपर वाला सीट प्रेफर करता हूँ क्योंकि नीचे वाली सीट पे लोग बैठे रहते हैं, ऊपर वाली सीट पे आप सो भी सकते हो और जमन के नीचे आके बैठ जाओ या तो कहीं भी बैठ जाओ, कहीं ना कहीं तो खाली मिल ही जाएगा ना। तो मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ रशियन रेलवे के 3rd class ओपन स्लीपिंग क्लास में, तो इसका नाम है 3rd class। रशियन रेलवे में जनरली 1st class होती है और 2nd class होती है और 3rd class होती है। जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग का रूट है उसमें थोड़े अच्छे अच्छे ट्रेन हैं, बट जो नॉर्मल सिबेरिया में ट्रेन चलती है ये 1st class, 2nd class, 3rd class और चलती है 4th class भी। तो 1st class वगैरह में केबिन वगैरह बने रहती है बट थर्ड
जो क्लास है उसमें ओपन स्लीपिंग रहती है। और अगर हम हमारे इंडिया से कंपेयर करें तो मैं कहूँगा थर्ड एसी, बट थर्ड एसी से कुछ ज़्यादा अच्छा है ये थोड़ा। और मैं पे कर रहा हूँ दो दिनों के ट्रेन के लिए अराउंड 2500 रुपये, तो मैं ऑलमोस्ट कवर करूँ 2000 किलोमीटर के आसपास, और दो दिन लगेंगे टोटल इन टोटल। तो आई गेस ठीक है, पैसे के हिसाब से उतना कम नहीं है और उतना ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल प्राइस है आई गेस। अगर इंडिया से भी कंपेयर करें तो इसी के हिसाब किताब लगेगा। बट फैसिलिटीज़ जो मुझे ज़्यादा सही लगती है इस रेलवे पे वो है, टॉयलेट काफ़ी साफ़ सुथरी रहती है, हर कोच पे एक अटेंडेंट रहता है आपकी हर संभव मदद करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस थर्ड क्लास रेलवे में, मैं थर्ड क्लास जो बोल रहा हूँ प्लीज़ डोंट लाइक, ये समझना मत कि ये पूरी तरह से घटिया है। थर्ड क्लास अगर मैंने कंपेयर किया तो इंडिया के स्लीपर के मुकाबले भी नहीं आता, इंडिया के थर्ड एसी या सेकंड एसी के मुकाबले आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये थर्ड क्लास रेलवे कैसी दिखती है। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि इस हमारे रेलवे में क्या होता है ना कि सारे जो प्राइसेस होते हैं ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, आप कोई भी सीट लो, अपर लोअर या साइड अपर साइड लोअर, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। बट यहाँ पर क्या है ना कि सीट के हिसाब से पैसे लगते हैं, तो ये सीट लाइक साइड वाली जो सीट होती है लोअर लोअर और ये वाली लोअर काफ़ी महंगी आती है, और ये दोनों भी काफ़ी महंगी आती है। जो सस्ती आती है वो सबसे अच्छी है ये वाली साइड अपर सीट, ये साइड अपर सीट है, सबसे सस्ती सीट यही मिलेगी। और एक सीट आती है अगर आपको इस वाले पार्ट में लेना है, आई मीन साइड के अलावा लेना है, मेन अपर लेना है, तो आप सबसे जो लास्ट सीट होती है ना ये वाली सीट, ट्रेन के जो कोच की सबसे लास्ट सीट होती है ये वाली सीट भी सेम प्राइस में आती है इस सीट के मुकाबले। पता नहीं टॉयलेट के पास है इसलिए थोड़ा महकता वगैरह होगा, इसलिए थोड़ा पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस ट्रेन में मोस्टली मैंने जो चेक किया है दो सीटें सस्ती आती है, साइड अपर और इस लास्ट कंपार्टमेंट के अपर वाली सीट सस्ती आती है, जो वो वाली सीट है, जो ये वाली सीट है। तो ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है रशियन रेलवेज का, और थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस नहीं रहता भाई, काफ़ी डिफरेंस रहता है बताता हूँ। लाइक अगर ये सीट मुझे मिली है 2000 रुपये की, तो ये वाली सीट नीचे वाली सीट मिलेगी मुझे 3000 रुपये की, तो 1000 रुपये का डिफरेंस रहता है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस नहीं रहता है। अगर आपके पास ई टिकट है तो कोई बात है ही नहीं, अगर आपने टिकट प्रिंट करा रखा है तो वो आपका टिकट ले लेगी और आपको उस टिकट के बदले में ये मिलेगा। मैंने आपको कई बार दिखाया है रशियन रेलवे में यही होता है, और बाकी आप बिछा लो और दिन भर सोना है तो सो। इसलिए मैं ऊपर वाली सीट प्रेफर करता हूँ कि दिन भर आराम से सोऊं, या तो फिर, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे क्या लगी कि इंडियन रेलवेज की जो ये वाली सीट होती है, ये वाली सीट होती है, आप वहाँ पे थोड़ा आराम से बैठ सकते हो, बट यहाँ पे ये ना ये वाली चीज़ें हैं, सामान रखने वाली चीज़ है यहाँ पर, क्या ये सामान रखने वाली चीज़ है, तो इसमें थोड़ा बैठने में दिक्कत होता है। लेकिन सामान रखने के लिए यहाँ पर सामान रख सकते हो आप, इसके ऊपर ही सामान रखने वाला बनाया गया है, और इसके अंदर सामान रख सकते हो एज ए लाइक बॉक्स टाइप का बना हुआ है दोनों तरफ, और इस तरफ भी सामान रख सकते हो। जिस तरह मैंने रखा है सामान दिखाता हूँ, मैंने अपना बैग इसमें इसके अंदर घुसा दिया है, तो ये जगह है यहाँ पे सामान रखने के लिए। बस यही थी रशियन रेलवेज की थर्ड क्लास जर्नी की एक जो बैकग्राउंड कैसी होती है। और यहाँ पे टाइम जो हो रहा है, टाइम गलत है, पता नहीं किस मॉस्को टाइम है या कौन सा टाइम है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर कितना है वो बताता है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है अंदर, और बस बैकग्राउंड नंबर कितना है, बस यही खास है। और ये अच्छा खासा मोटा वाला आपको गद्दा मिलता है सोने के लिए, अच्छा खासा है, काफ़ी क्वालिटी वाली है। चल रही है काफ़ी टाइम में पहुंचने को, 4 बज रहे हैं शाम के और हम लोग कहीं पहुंचे हैं, पहुंचने वाले हैं। बस लोगों से बात हो रही थी ट्रेन पे और इनसे मिला, आना याना 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 है ये,
और ये बहुत अच्छी सिंगर है, काफ़ी अच्छा गाना गाती है। मैंने यूट्यूब पर इनके कुछ वीडियोज़ देखे और ये काफ़ी फेमस है ओम्स्क में। तो ट्रेन पे मैं पहली बार किसी फेमस बंदे से मिल रहा हूँ, वो भी रशियन फेमस से। थैंक यू फॉर वेरी मच। एंड मैंने इनको अपना खाना ऑफर किया, भारतीय खाना। काफ़ी अच्छी है, इनसे काफ़ी बातें हुई और ये पूछ रहा था कि आप इतने फेमस हो, कैसे हैंडल करते हो अपने फैन वगैरह को। तो काफ़ी उन्होंने मुझे कुछ बताया तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन है इतने फेमस होने के बावजूद। ऑल द बेस्ट, all the best to your all of your singing. Да, если бы я ещё понимала, что за вопрос. Я бы на него ответила. रात के बज रहे हैं 8:30 और 20 जा रहा हूँ, दो दिनों का सफर है अभी। और ऐसे ही घूम रहा था तो कुछ इन लोगों से मुलाकात हुई। ये लोग एक स्पोर्ट्समैन है, ये लोग गेम खेलते हैं, कुछ ऐसा गेम जब इसके बारे में मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था। अभी गूगल वगैरह किया मैंने तो पता चला कि ये गेम है। इस गेम में बेसिकली क्या होता है, चलो ये एक्सप्लेन करेगी। व्हाट इज दिस गेम अबाउट? व्हाट इज दिस गेम? दिस गेम ग्रेट गेम, आई मीन हाउ डू यू प्ले दिस गेम? हाय, हाउ डू यू प्ले दिस गेम? बियतलॉन, बियतलॉन ये गेम क्या होता है कि इट्स ओके इट्स वर्किंग या सो इस गेम में क्या होता है बेसिकली कि ये लोग स्कीइंग करते हैं, स्कीइंग करते बढ़ते कि जाना होता है, उसके बाद कहीं गोली मारनी होती है। भाई बड़ा हार्ड गेम लगा, मैंने कुछ वीडियोज़ देखे लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड गेम लगा। बट ये लोग भी हैं और सारे लोग स्पोर्ट्समैन हैं और कभी ये लोग अपने देश के लिए ओलंपिक लाना चाहते हैं। मैंने इनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि अगर आप कभी ओलंपिक में जाते हो और ओलंपिक मेडल लेके आते हो तो मेरे को मत बोलना क्योंकि मैं आपका फर्स्ट फैन था। तो ये लोग थे और सारे लोग अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, चलो बात मिल लेते हैं सबसे। कक्तिबे जबूत ओलेक गोसा как тебя зовут? Даша. Даша? Даша. Даша, Даша. Даша, Таса. Алена. Диана. Диана. Матвик. Ярик. Матрас. Настя. Рита. Рита. Юра. Юра. Кира. Найдик. And you? Ярик. Ярик. तो ये सारे लोग का इंट्रोडक्शन हो गया फास्ट में। किसी का नाम मुझे याद रहने वाला है नहीं, बट कोई बात नहीं, नाम चेहरे तो बिल्कुल याद रहेंगे। इन लोग साथ भी गेम खेला था, माफिया गेम, और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है ये। मैंने काफ़ी बार खेल चुका हूँ ये गेम, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पोर्ट्स का जो होता है, हमारे यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में लोग फंसे हुए रहते हैं, एक जॉब करना चाहते हैं, बट यहाँ पर मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो आइस हॉकी खेलते हैं, जो गेम खेलते हैं अलग अलग और आगे उसी में करियर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गेम फेमस है, यहाँ हज़ार तरीके गेम हैं और लोग जनरली ओलंपिक्स में खेलना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस कंट्री के लिए और कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो नोबे से ब्रिस आ गया है और मैं बाहर जा रहा हूँ। हेलो यू, यू नो योर क्लोथ टुमारो जब तरह था स्पेशली बबल सॉरी रस्मितानिया गुड नाइट। नोबिसिब्रिस आ गया है, यहाँ पे ट्रेन रुकेगी 1 घंटे, तो आप बाहर भी जा सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि 1 घंटे काफ़ी टाइम होता है और बाहर जाके अंदर आने के लिए। मेरी प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, आशा करता हूँ कि ज़्यादा याद रहेगा। वैसे मुझे ख़रीदना है थोड़ा पानी वगैरह, देखता हूँ। ये मेरी ट्रेन है ऐसे, तो ये है नोबिसिब्रिस का मेन रेलवे स्टेशन, काफ़ी अच्छा शानदार है। मैं इतने कपड़े पता है क्यों पीना, क्योंकि मुझे जाना है बाहर। तो एक बार आपको दिखा दूं यहाँ का रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है। काफ़ी झूमर वूमर लगे हुए हैं यार, तो सब चलते हैं। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे पानी का, आप पानी ले सकते हो। कितने का है? 30 रूबल का यार, काफ़ी महंगा है। झूमर उमर लगा रखा है इन्होंने यार, बताओ।
Hello. Здравствуйте. Hello. Agdela. Very good. Very good. Kuda. Hello. Hello. Exit. This is very nice. Yeah. Good. Good. Sibiria. Oh, very good. Sibiria ocean cold. Ocean cold. Very cold. Is Naya Kuda supermarket? मेरे ठीक सामने है नोमड से बिश्केक का मेन रेलवे स्टेशन रबकजाल कहते हैं इसे और मैं आया हूँ सुपरमार्केट ये रहा सुपरमार्केट और ठीक सामने ये है रेलवे स्टेशन अभी 11:13 हो रहा है मेरी ट्रेन खुलेगी 11:54 पे तो अभी है 40 मिनट के आसपास मेरे पास तो कुछ खरीद सकता हूँ सुपरमार्केट वगैरह से ओके सो मैं इनसे मिला वापस से बहुत दिनों के बाद आपने देखा होगा वरुण सर के वीडियो में और आपस से मिलकर काफी अच्छा लगा नाइस टू मीट यू नाइस टू मीट यू हमें जाना पड़ेगा दसविदानिया दसविदानिया बाय बाय हैव अ गुड ट्रिप मैन या थैंक यू कमिंग बैक या बाय 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 दसविदानिया